अस्सलाम वालेकुम। व्हाट इज़ फ्लटर? आज का टॉपिक है व्हाई यू शुड लर्न इट इन 2020। फ्लटर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी बाय गूगल, और फ्लटर के ऊपर मैं बात करूँगा कि ये क्या है। फ्लटर इज़ एन ओपन सोर्स यूआई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट क्रिएटेड बाय गूगल। यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए फ्लटर जो है वो एक नया SDK है, नया इंजन है, आप इसको जो भी कहना चाहें। ओपन सोर्स है, कोई भी यूज़ कर सकता है, और फ्लटर आपको एक बहुत आला चीज़ देता है। इट इज़ यूज टू डिवेल्प एप्लीकेशन फॉर एंड्रॉयड, iOS, विंडोज, मैक, लिनक्स, गूगल, फिशर एंड द वेब फ्रॉम अ सिंगल कोड बेस। एक कोड से आप एंड्रॉयड ऐप भी बना सकते हैं, iOS ऐप भी बना सकते हैं। मतलब आपको दो दो लैंग्वेजेस नहीं सीखनी पड़ेंगी, जैसे एंड्रॉयड के लिए जावा या कोटलिन थी, iOS के लिए स्विफ्ट, ऑब्जेक्ट सी थी। तो अब और नया जो आ रहा है उसके लिए आपको सिर्फ फ्लटर के अंदर डॉट सीखनी पड़ेगी, DART डॉट। तो डॉट लैंग्वेज के ऊपर भी मैं नेक्स्ट एक ट्यूटोरियल लेके आऊँगा। SDK का ट्यूटोरियल मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। गूगल फिशिया एक OS आ रहा है, उसके ऊपर मैं आपसे बात करूँगा। तो सारी वीडियोस आएंगी, तो लेकिन ये फ्लटर इज़ अ न्यू टेक्नोलॉजी और मस्ट लर्न होना चाहिए आपको इसके ऊपर। द फर्स्ट वर्जन फ्लटर जो था उसको स्काई बोलते थे और एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता था। तो उसके बाद आपको क्या चाहिए, कौन सी मिनिमम रिक्वायरमेंट चाहिए जी? ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7, सर्विस पैक 1 और उसके बाद जितने भी आए हैं। डिस्क स्पेस फ्लटर के लिए आपको 1.3 GB चाहिए। उसके अलावा आप IDE टूल यूज़ कर सकते हैं। IDE टूल जो है वो आप एंड्रॉयड स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं और विजुअल स्टूडियो भी यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर फ्लटर। अदरवाइज़ आप नोटपैड के अंदर भी कोड कर सकते हैं फ्लटर का, लेकिन एंड्रॉयड के अंदर ही फ्लटर को एम्बेड किया जा सकता है। तो ये भी नेक्स्ट सिखाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है। टूल फ्लटर डिपेंड ऑन दिस टूल, एंड्रॉयड स्टूडियो एंड विजुअल स्टूडियो जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो अगर आपके पास है तो आप सिर्फ फ्लटर की चीज़ें इनेबल करेंगे। Why you should learn Flutter in 2020? This is the biggest question. Why I'm making this video for you? Simple to learn and easy, just like JS, JavaScript, number one language है scripting, तो इसका syntax उससे match है, उस जैसी है, तो easy है, इसको सीखा जा सकता है। और Flutter is a modern framework and you can feel it. It is a way simple to create mobile application with it. Or if you have to use Java, Swift or React Native, you will notice now Flutter is different. तो आप लोग अगर Swift और Java और React use कर चुके हैं तो Flutter उससे different है। और what I love about Flutter is that you can create a real native application without a bunch of code. आपको code नहीं है, एक ही file बनती है इसके अंदर, Dart के अंदर और डॉट के अंदर, और आपको बाहर जावा के लिए अलग कोड नहीं करना पड़ता। दिस इज़ अ बिजनेस सोल्यूशन फ्लटर जो लेके आया है। और यूआई डेवलपमेंट इसके अंदर बहुत यूआई और इसके नए नए वर्जन आ रहे हैं, अपडेट भी होगा तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन आज का जो मेन मकसद था वो था फ्लटर क्या है। तो फ्लटर एक SDK है या इंजन है जो कि गूगल ने दिया, सकते हैं डॉट लैंग्वेज के साथ यूज़ कर सकते हैं। और आप लोग नेक्स्ट मेरी वीडियो देखोगे डॉट के ऊपर, डॉट लैंग्वेज क्या है। तो दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। फिर नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को किसी और वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप शेयरिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।